प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी लोगों को हम फिर से स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में सदा सभी लोग आनंदित बने रहे। वो है जो हमें हर एक दिन को देता है, दान में देता है, भेंट में देता है। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसके जीवन का एक मकसद था कि मैं जितना भी समय इस संसार में रहूं, उसकी सौंदर्य का मैं अवलोकन करता रहूं, उसकी सुंदरता को निहारता रहूं। और वो यही चाहता था कि उसका कण कण, उसकी हड्डी हड्डी उसकी स्तुति करती रहे। और इसीलिए भजन संहिता 34 में उसने कहा है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्यारो, जब हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाने का अवसर हर एक दिन पाते हैं, पर आज का दिन अलग है कि जिसमें हम सब मिलजुल कर एक कलीसिया, एक मन होकर उस खुदावन परमेश्वर के हुजूरी में एक आत्मा की मदद लेकर पहुंचते, उस पवित्र आत्मा की सहायता से पहुंचते हैं जो आपको, मुझको, हम सबको एक करता है। भले ही हम अलग अलग स्थानों में है, अलग अलग जगहों में है, अलग अलग देशों में हो, पर परमेश्वर का आत्मा है जो हमको आत्मा में एक करके उस पिता की उपस्थिति में हमें ले जाता है, जहां पर हम उसको आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, क्योंकि ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो आइए प्यारो, अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हम सभी लोग जब आपकी आराधना करने के लिए अपने अपने घरों में एकत्रित हैं, कोई अकेला होगा, कोई सह परिवार होगा, पर आइए, उस परमेश्वर का हाथ कहीं भी छोटा नहीं है, उसका हाथ वो कहीं भी पहुंचा सकता है, उसकी उपस्थिति कहीं भी हो सकती है। दाऊद कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जाऊं, जब आप और मैं एक मकसद के साथ एकत्रित हुए हैं अलग अलग स्थलों, अलग अलग स्थानों पर। उसका आत्मा हमारे बीच है, वो हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि हम उसके नाम के निमित्त एकत्रित हुए हैं, उसकी महिमा के लिए बैठे हैं। और उसका वचन सत्य है, जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं अवश्य वहां मौजूद रहूंगा। और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से गुजारिश करें कि पवित्र आत्मा हमको शुद्ध कर, हमारे विचारों को, हमारे मनों को शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु कहीं भी हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे सोल में कहीं भी करप्शन न हो प्रभु। हम संपूर्ण पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके, ऐसा अनुग्रह हम पर होने दीजिए प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने हमें एक और दिन दे दिया है प्रभु। हमारी आवाजों को, हमारे शरीरों को आप छू ले प्रभु, ताकि आपके लिए हमारा उठना बैठना यह समय बना रहे, जारी रहे। आपके लिए हो ये जो भी पल, ये समय बिताए जाए आपके लिए और आपके सामने हो, कोई और मकसद न रहे प्रभु इस समय बिताने का। प्रभु हमारा सिर्फ आपको खुश करना, आपको महिमा देना और आपको प्रसन्न करना और आपकी मौजूदगी में बने रहना, यही मकसद हमारा यह समय में बना रहे परमेश्वर। हम में से हर एक को यह अनुग्रह दे कि हम पूरी गंभीर्य के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस समय में आपकी आत्मा की उपस्थिति में आगे बढ़ सके। पवित्र आत्मा हर एक की निर्बलता में, कमजोरियों में, उनकी तकलीफों में, उनकी समस्याओं में आप सामर्थ को जाहिर करें, ताकि हम शरीर से बाहर होकर आत्मा में
खोकर हम आपकी आराधना कर सके पिता। यीशु के नाम में आपका अनुग्रह हो, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, जहां भी अशुद्धता है यीशु तेरे लहू को हम कबूल करते हैं प्रभु। हम माफी मांगते हैं प्रभु, आपकी आत्मा को कई बार हमने खेदित किया है, यीशु के लहू से धो दो, शुद्ध करो प्रभु, पर हम सबको तैयार करो प्रभु। शैतान की युक्तियां यीशु के नाम में निष्फल हो और आपकी महिमा हो प्रभु। आराधना में अगुवाई करने के लिए आपकी बेटी को और हम सबको अगुवाई करे प्रभु, यीशु के नाम में दुआ करते हैं, इसे कबूल कीजिए, आमेन। उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर से हम कहेंगे कि परमेश्वर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, हमको पूरा यकीन है परमेश्वर कि आपके जैसा कोई नहीं है। कुछ कमी है, तेरा ही
दास ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा लेते हैं कि आप हमारे बीच में हो। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए और उस महान स्तुति के योग्य परमेश्वर की आराधना करें। उसको धन्यवाद दे। गीत के शब्द कहते हैं कि स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आए सच्चे दिल से उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस आभारी हृदय के साथ उसके आगे झुक जाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद,
क्योंकि तूने इतने सारे उपकार मेरे जीवन में करे हैं प्रभु। आज मैं मेरे होंठ मेरे मुंह भी थक जाए, इतने उपकार तूने मेरे जीवन में किए, आए उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन जीवित, उसका वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। प्यारो गीत किस रंजन कहते हैं, वचन देदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। वो परमेश्वर का वचन है जो हमें छुड़ाता है, हर बीमारियों से छुड़ाता है, हर तकलीफों से, हर संकट से वो वचन हमें छुड़ाता है। हालेलुया, आए उसकी आराधना करें। I'm
वचन जो हमें छुड़ाता है, वो वचन में सामर्थ है प्यारो। सिर्फ उसके वचन को अगर आप बोलते हो, वो वचन सामर्थी वचन है, वो दोधारी तलवार समान, वो परमेश्वर का वचन है। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद करे पूरे धन्यवाद, आभारी हृदय से उसका धन्यवाद करे, अपने मुंह को खोल कर उसका धन्यवाद करे। जहां भी आप हो, जहां तक हमारी आवाज आपको आ रही है, प्रभु का धन्यवाद करे। ओ जीसस, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर, आप चाहो तो घुटनों के बनाकर उसको धन्यवाद करें। आपकी बीमारी, आपकी तकलीफों, मुश्किलें, सब कुछ साइड पे रख दीजिए, सिर्फ और धन्यवाद करें। आपको छुड़ाएगा, सिर्फ धन्यवाद करें, मांगे नहीं, धन्यवाद करें। दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना, अनंत धरती पर है। परमेश्वर ने जब तक जितना आयु हमें दिया है, क्यों ना हमारी ये जिंदगी उसकी महिमा गाती रहे। क्या आप परमेश्वर से कहना चाहते हो कि प्रभु जब तक मैं जीऊं, ये जीवन तेरी महिमा गाता रहे। आंखों को बंद ही रखे प्यारो, उस परमेश्वर को आराधना के लिए अपने आप को समर्पित करें। कौन है जो हमें अनंत तक चला सकता है प्यारो? सब कोई जो आपके पास है, आपके आसपास है, उनका एक समय निर्धारित किया हुआ है प्यारो। एक ही है जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है, जो समय को निर्धारित करता है, और वो ही हमें अनंत तक अगुवाई कर सकता है। किसकी अगुवाई पसंद करते हो आप इस जीवन में, ये बताएगा कि आप किसकी आराधना पसंद करते हो। किसको महिमा देना चाहोगे? आपकी जिंदगी से किसको महिमा देना चाहोगे? जो अनंत तक हमें चला सकता है, वो ही महिमा के योग्य है प्यारो। क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वो कभी खत्म नहीं होगा। सब लोग चले जाएंगे, पर वो कभी नहीं चला जाएगा।
सारे तूफान में सब कुछ खत्म हो सकता है, पर वो कभी मिट नहीं सकता है, बिकॉज ही इज इटर्नल गॉड। वह अनंत है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। किसकी और हम हमारे हाथों को उठाते हैं, किसकी और हमारी आवाज को उठा रहे हैं प्यारो? हम तो परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए हैं, उसको आराधना देने के लिए अलग किए हुए लोग हैं। हमारी जिंदगी मरी थी इफिसियों में कहता है, पर उसने हमें चिल्लाया उसकी मृत्यु के द्वारा, और इसीलिए ये जिंदगी हमारा जीवन उसकी महिमा करता रहे, गाता रहे, यही हमारा समर्पण प्रभु पसंद करता है। जब तक जिए उसकी महिमा करते रहे। हर एक दिन हमारे लिए आज है, और आज हम प्रभु की महिमा करें वैसे कल भी करते रहे। सिर्फ रविवार हमारे लिए नहीं है, हर एक दिन प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। अनंत शांति देने वाले, अनंत तक चलाने वाले, दया को बहा देने वाले उस परमेश्वर को हमारी जिंदगी से महिमा मिले। तूने ही हमको थाम कर रखा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। जब से चुआ तूने मुझे
परमेश्वर को पुकारा, जब भी हमने उसके आगे गए, उसके आगे हमने दुआएं की, उसने हमारी हर एक दुआओं को सुना है प्यारों। धन्यवाद वो दुआ को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा
परमेश्वर ने आपको कभी नहीं ठुकराया। लोगों ने आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर नहीं लगाए। परमेश्वर ने आपको गले से लगाया है, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, आपको नफरत नहीं की है। वो नफरत करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Yes, thank you, Lord. अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु हम सारी आदर, सारा मान और जलाल हम आपको देते हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते परमेश्वर, क्योंकि योग्य तो आप हैं परमेश्वर। कोई इंसान या कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है। सिर्फ योग्यता अगर कोई डराता है परमेश्वर, तो वो है आप परमेश्वर। उसके योग्य आप हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे अर्पण को आप कबूल कीजिए प्रभु। यीशु नाज़री के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, यीशु के नाम में आमीन।